मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नए साल पर गरीबों को फ्री में प्लॉट देने जा रही है। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार गरीबों को प्लॉट देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत बुधवार टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टीकमगढ़ जिले के 10,500 लोगों को 120 करोड़ कीमत के प्लॉट बांटेंगे। जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर होगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थान के अनुसार रहेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शिवपुरी में क्लास 8 तक की छुट्टी कर दी गई है। भोपाल समेत कई जिलों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। शिवपुरी कलेक्टर ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय भी बदल दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास की परीक्षाओं का समय बदल दिया है। पहली शिफ्ट में पहले सुबह 8 बजे से परीक्षा होनी थी, इसे बढ़ाकर 9 बजे कर दिया गया है। दूसरी शिफ्ट में सुबह 11:15 पर होने वाले एग्जाम का टाइम बढ़ाकर दोपहर 1 बजे कर दिया गया है। राहुल गांधी द्वारा अभिनेता कमल हसन को दिए इंटरव्यू में खादी को लेकर कही बातों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने खादी के लिए जब आह्वान किया तो आज़ादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई, उनके एक आह्वान पर 1,25,000 करोड़ की खादी देश में खरीदी गई। राहुल बाबा, अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहनकर क्यों यात्रा कर रहे हो? खादी पहनकर यात्रा करते जो इंटरव्यू देकर वायरल कर रहे हैं, उसमें ही खादी पहनकर बैठ जाते और खादी से लगाव प्रदर्शित करते। आपकी ये दुभाषी बातें देश के लोग समझते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का लोकार्पण होने के बाद अब दूसरे चरण के कामों में तेजी आ गई है। दूसरे चरण के निर्माण में मकानों पर मिले स्टे के कारण रुकावट हो गई थी। मंगलवार को प्रशासनिक अमले ने 13 मकानों को जेसीबी मशीन की मदद से गिरा दिया। प्रशासन ने सभी 13 मकानों का अधिग्रहण किया है। उज्जैन में आंगनवाड़ी और आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने के कारण प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन तेज कर दिए हैं। मंगलवार को दशहरा मैदान पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां हाथों में बैनर लेकर एक रैली निकाली गई। यह रैली सेठी नगर स्थित सांसद कार्यालय पहुंची। यहां सांसद के ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। खास बात यह रही कि आंगनवाड़ी और आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए गीत गाए। दरअसल यहां प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, वेतन वृद्धि की जाए, कार्य का समय तय किया जाए, इसके साथ ही मूल काम ही करवाया जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।